दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो हम लोग फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं। फिजिक्स चैप्टर जो बढ़ा रहे थे उसमें हमने दो तीन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब ग्रेविटेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ग्रेविटेशन क्या कहता है। ग्रेविटेशन का नाम सुनते ही सबसे पहले हमें अर्थ के बारे में ख्याल आता है कि अर्थ किसी चीज़ को अपने तरफ खींचती है। तो जो भी कॉन्सेप्ट होता है उन सब सारे कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे। देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है, एवरीबडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर विथ ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दियर डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए फ्रेंड्स, कहता है कि हमारे एटमोसफियर में, हमारे यूनिवर्स में, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सोच लीजिए, कोई एक चीज़ यहाँ पे है, कोई एक ए पॉइंट है, कोई एक बी पॉइंट है, इसका कुछ मास दिया हुआ है और इनके बीच में अगर कोई डिस्टेंस दिया हुआ है तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। यानी ए क्या करता है, बी को अपनी तरफ खींचता है और बी भी क्या करता है, ए को अपनी तरफ खींचता है। ओके, जैसे कॉलेज में होता है, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, यानी दो, एक का मास क्या है आपका m1 है और दूसरे का मास क्या है आपका m2 है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, r मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या देखा है, ये इक्वेशन जो कहता है, ये कहता है कि जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। तो मासेस क्या है फ्रेंड्स, m1 है और m2 है। तो इनके क्या है, इनके प्रोडक्ट, यानी कि m1 और m2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 हो जाएगा। और फिर कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दियर डिस्टेंस बिटवीन देम। हम देखेंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो देखिए, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। तो क्या कहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कहता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r² हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला लेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म इन दोनों का निकालेंगे, ठीक है। देखिए दोस्त, जो भी हम फॉर्मूला लिखेंगे तो उसका नोटेशन आप पक्का याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ये r है तो ये r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम देखेंगे कि जो r है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों के बीच के डिस्टेंस को, ठीक है। ये जो m है, ये जो पहला हमारा सब्सटेंस है, पहला जो पार्टिकल है, इसका मास बता रहा है, और ये दूसरा जो m2 है ये दूसरे के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे, इसको और इसको। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 है और f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/r². तो मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बट्टा r², ठीक है। आप जानते हैं कॉन्स्टेंट हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कॉन्स्टेंट लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट लगा देंगे। इसको क्या, यहाँ पे क्या लगाते हैं, जी लगाते हैं। तो जी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कहते हैं। इसका मान क्या होता है, इसका मान आप एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये मान होता है 6.67 × 10^11 होता है। ओके, एग्जाम में सीधे एक नंबर में आएगा, या बहुत सारा हम जब इसका प्रॉब्लम बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो हम लोगों को वहाँ पे जरूरत पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए, जी का मान याद रखिएगा 6.67 × 10^-11। अब देखिए, इसका हम यूनिट निकालेंगे। देखिए दोस्त, यूनिट भी आता है एग्जाम में, हालांकि बहुत बार नहीं आता है, लेकिन यूनिट भी एग्जाम में आता है, या जब भी आप प्रॉब्लम को ख़त्म कीजिएगा तो आंसर जब लिखिएगा तो वहाँ पे यूनिट को भी मेंशन कीजिएगा। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चाहें तो इसका यूनिट आराम से निकाल सकते हैं, जी इज इक्वल टू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f r² हो जाएगा, f r² बटा क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 हो जाएगा। कितना आसान है बताइए, m1 इंटू m2 हो जाएगा। तो यहाँ फोर्स है, तो फोर्स के बदले में हम क्या लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे, ये जो f है इसके बदले में न्यूटन लिखेंगे, और ये जो r² है इसके r² को क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लिखेंगे।
आर मतलब रेडियस हुआ, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस को बता रहा है, ठीक है। तो इसको मेजर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम मीटर में मेजर करेंगे, और नीचे क्या है, एम वन इंटू एम टू है, तो ये तो दो मास है, तो मास यानी कि के जी इंटू के जी हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमको इसका यूनिट भी पता चल जा रहा है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के जी स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जो भी आपके पास बेसिक बुक है, चाहे वो किसी भी क्लास की हो, आप इसे पढ़िए, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि जैसे ही ग्रेविटेशन का नाम सुनते हैं हमें क्या आता है, हमें पता चलता है कि ग्रेविटी मतलब अर्थ क्या कर रहा है, किसी भी चीज़ को अपने तरफ खींच रहा है। तो किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, सोचिए हमारे हाथ में कोई बोतल है या कोई वस्तु है, हम उसको क्या करते हैं, एक हाइट से नीचे गिराते हैं। तो जब हम एक हाइट से नीचे गिराते हैं तो हम देखते हैं कि हम कोई फोर्स लगाएं या ना लगाएं, वो क्या होता है, वो सीधे हमारा अर्थ पे आके गिर जाता है। तो ये किसके चलते होता है दोस्तों, तो देखिए हम देखेंगे कि ये एक्सेलरेशन के चलते होता है, ठीक है। ये किसके चलते होता है, ग्रेविटी के चलते तो होता ही है। और उस समय क्या होता है, उस समय जो उसके स्पीड में चेंजेस आता है, सडन चेंजेस आता है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। देखिए क्या कहता है, एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाई ए बॉडी, एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाई ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या हुआ, कोई भी सामान है उसको हमने अपने हाथ में रखा है और उसको हमने क्या किया है, इंडिपेंडेंट गिरने के लिए छोड़ दिया है। तो अगर फ्री फॉल के लिए छोड़ दिया है तो वो क्या करेगा, वो आके अर्थ पे ही गिरेगा, ठीक है। तो कहता है एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाई ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटेशनल एग्जर्टेड बाई अर्थ, अर्थ के चलते, अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशन फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, फ्री फॉल बॉडी पे, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, ओके। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं, क्या कहते हैं, जी से करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम जी से डिनोट करते हैं। और इसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए ऐसे ही देखिए, जैसे हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा था त्वरण के बारे में या एक्सेलरेशन के बारे में, तो स्पीड में जो चेंजेस आ रहा था टाइम के साथ, उसको हम क्या कह रहे थे, उसको हम एक्सेलरेशन कह रहे थे। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, जब बॉडी हमारे हाथ में रहता है तो वो क्या रहता है, वो रेस्ट में रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम फ्री फॉल करवाते हैं तो क्या होता है, उसके स्पीड में तो सडन चेंजेस आता है, तो वो भी क्या हुआ, वहां पे भी उसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो चूंकि ये जो चेंज आ रहा है वो किसके चलते आ रहा है, वो हमारे, वो अर्थ के चलते आ रहा है, ठीक है। तो अर्थ के चलते आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे, ओके। तो देखिए दोस्तों, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको जी से डिनोट करते हैं, और इसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ओके। तो एक फॉर्मूला तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बट्टा आर स्क्वायर, सब आपको पता है कि जी किस लिए है, एम किस लिए है, ठीक है। और देखिए न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें बल की परिभाषा मिलती है, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एम इंटू ए होता है, फोर्स, यहाँ फोर्स एफ इज इक्वल टू फोर्स हो गया, एम इज इक्वल टू मास, और ए इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारा मोशन चैप्टर में जो हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था वही एक्सेलरेशन है, ठीक है। अपने दिमागवा पे जोर डालिए, ठीक, और याद कीजिए। अब हम चाहें तो देखिए क्या कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए है, और यहाँ एफ इज इक्वल टू क्या है, जी एम वन इंटू एम टू बटा आर स्क्वायर है। इसको आगे बढ़ाइए, देखिए तो यहाँ ए है, ये यहाँ पे दिया हुआ है ना जी, तो देखिए तो एफ का एफ यहाँ लिख देंगे, एम का ए लिख देंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि ए के बदले में क्या है। तो देखिए दोस्तों, ए के बदले में क्या है, तो हम एक के लिए लेंगे, अगर एक किसी, अगर किसी का, किसी वस्तु का 1 kg अगर वेट है, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थ का लेंगे तो अर्थ का लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जी एम बटा आर ई स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि देखिए क्या है, जैसे अब आर तो पहले हम डिस्टेंस के रूप में ले रहे थे, अब हम यहाँ यहाँ पे ले रहे हैं आर ई। आर ई मतलब क्या हुआ, सोचिए दोस्तों, आर ई का मतलब क्या हुआ, मैं बताता हूँ आपको, आप मत सोचिए, ठीक है। देखिए जैसे जब हम अर्थ के सर्कमस्टांस में कोई भी चीज़ लेंगे, तो हम अर्थ के रेडियस को काउंट करेंगे,
आर रिप्रेजेंट फॉर द रेडियस एंड ई फॉर अर्थ। ओके, तो आर के और एम इज इक्वल टू क्या हो गया, एम इज इक्वल टू मास एंड ई डिनोट्स अर्थ। ओके, तो अर्थ के मास को लेंगे, अर्थ के रेडियस को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए का मान हम यहाँ पे निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी का मान निकालेंगे तो जी का मान हो जाएगा जी एम ई, मतलब ये जो मान आया, जैसे देखिए जो जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसको तो हम जी से डिनोट करते हैं, और यहाँ तो हमारा ए का मान आ रहा है ना, चूंकि हम ए के मान में रख रहे हैं तो यहाँ ए का मान आ गया, तो ए का मान क्या हो गया, जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर, और इसको चूंकि ग्रेविटेशन चैप्टर है तो इसको हम जी से डिनोट करते हैं, तो जी इज इक्वल टू क्या आ गया, जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर आ गया। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे हम, निकालेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ। अर्थ के नीचे अगर कोई हमारा, अगर अर्थ के नीचे से का हमें ग्रेविटेशनल निकालना है कि क्या वहाँ पे ग्रेविटेशन का मान कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो इसका जो भी कैलकुलेशन होगा हम यहाँ पे निकालेंगे। देखिए क्या है, हम मानते हैं कि ये क्या है, ये हमारा अर्थ का, ये हमारा ऊपर वाला अर्थ है, ठीक है ये, और ये जो नीचे वाला है ये क्या है, ये हमारा सरफेस है, ठीक है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कितना हमारा, जो भी हिसाब किताब होगा इसका हम निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो मान हमने मैंने लिखा है वो किस चीज़ के लिए लिखा है, यहाँ पे ये जो है आर ई जो है ये क्या है, अर्थ का रेडियस है, ये जो आर एस है ये क्या है, आपका सरफेस का रेडियस है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, डी मीटर है। ओके, और ये वो पॉइंट है जहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। आर ई रिप्रेजेंट फॉर द रेडियस ऑफ अर्थ, आर एस रिप्रेजेंट फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट गिवेन एंड दिस इज अर्थ। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे बीच में फोर्स कितना आ रहा है, डेंसिटी कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आपने एक, आपने गोला के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो अर्थ भी हमारा क्या होता है, एक स्पेयर के टाइप का होता है, तो स्पेयर के टाइप का होता है तो स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, अरे हमने मैथ में बहुत सारा पढ़ा था, मतलब मैंने पढ़ा था और मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम उसका, जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो देखिए 4/3 पाई आर क्यू लिखा है मैंने, तो वहाँ तो आर होता है और यहाँ आर के बदले में क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो यहाँ हमने आर ई लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसका वॉल्यूम निकालेंगे, देखिए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब इसका हम सॉरी डेंसिटी निकालेंगे, तो देखिए डेंसिटी मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों डेंसिटी बराबर होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए तो मास का मास देखेंगे तो मास ऑफ अर्थ लेंगे एम ई, और यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर ई का पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही सरफेस के लिए लेंगे, तो देखिए जब अर्थ के लिए लेंगे तो यहाँ ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, और सरफेस के लिए लेंगे तो एस हो जाएगा और एस हो जाएगा। तो डेंसिटी तो सेम ही होगा, तो डेंसिटी को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। देखिए 4/3 से 4/3 उड़ गया, यहाँ बच गया एम ई बटा आर क्यू, और यहाँ बच गया एम एस बटा आर एस का पावर 3, ठीक है। तो हम इसको चाहें तो ये क्रॉस करके यहाँ लाएंगे तो एम ई बटा एम एस, और ये आर ई का पावर 3 ऊपर आ जाएगा तो यहाँ कर देंगे, और आर एस का पावर 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे होंगे। देखिए क्या कीजिए, आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, उसको अपने से एनालाइज करने का कोशिश कीजिए, पहले एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर एक बार क्या कीजिए, अपने से एनालाइज करने का कोशिश कीजिए, अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर वीडियो को देखिए, ठीक है, और इसको पक्का आप अपने कॉपी में बनाइए। ओके, अब देखिए हम सरफेस ऑफ रेडियस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए तो हमारा ये सरफेस ऑफ रेडियस है, यही तो आपका रेडियस का सरफेस है, और ये क्या है आपका, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है, अर्थ के बारे में, अर्थ के टर्म्स में लिखना है। तो अगर अर्थ के रेडियस में से अगर हम ये डिस्टेंस को घटा दें तब भी हमको पता चल जाएगा कि सरफेस का रेडियस कितना है, अरे बहुत आसान है। देखिए अगर रेडियस का मान मान लीजिए कि 10 था, आई 5 था, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा ना, अच्छा 10 में से 5 यहाँ भी घटा देंगे तो 5 आ जाएगा ना जी, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अगर हम अर्थ के रेडियस में से, अर्थ के रेडियस में से क्या करें, जो हमारा डिफरेंस दिया हुआ है अगर हम उस डिफरेंस को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, यही हमारा, मतलब इसको हम चाहें तो अर्थ के भी टर्म में लिख सकते हैं।
तो हम देख रहे हैं कि मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सरफेस दोनों का रेशियो हमें मिल गया। तो ये रेशियो का ये होता है, ठीक है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा, याद कर रखिएगा। एगो दो प्रॉब्लम अब बताइए करेंगे हम, तो प्रॉब्लम अपने सर से बताएंगे ही, लेकिन आपके भी बुक में जो भी प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल है आपसे आप बनाइएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी तो नहीं बनाइएगा तो आपको पता चल ही जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, तो फिर घर पे आने के बाद पता चलेगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन पॉइंट पी ऑफ मास एम एंड अर्थ ऑफ मास एम, देखिए क्या है ये, जो इस पॉइंट पे हम निकालेंगे कि कितना हमारा आ रहा है ग्रेविटेशन का मान, ठीक है। तो देखिए फिर फोर्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जी एम 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 बटा आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, जहाँ पे दोस्तों ये जो m है छोटा वाला m, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये छोटा वाला m क्या है, सरफेस का मास है, और बड़ा वाला m क्या है दोस्तों, सॉरी ये छोटा वाला है, और बड़ा वाला m क्या है, ये हमारा अर्थ के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, आर ई माइनस डी क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा, ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट f इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू a होता है, अब a वाला दिन तो गया हमारा, अब क्या है, अब हमारा g का टाइम है, ठीक है। तो हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यहाँ लिखेंगे, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे, तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f बाई m हो जाएगा। तो फोर्स का मान तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है, जी एम इंटू एम एस बटा आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू m, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जी एम एस बट्टा आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो कैलकुलेशन है हम क्या कर रहे हैं, अर्थ से अर्थ के सरफेस के बिलो हम निकाल रहे हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का मान कितना आ रहा है और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन राइट, देखिए इक्वेशन वन हमने यहाँ पे निकाला था, इक्वेशन वन हम चाहें तो यहाँ से हम मास ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं, तो देखिए करेंगे क्या, प्लस क्रॉस गुना कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली हमने मैंने मास ऑफ सरफेस निकाला है, ठीक है, तो मास ऑफ सरफेस अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। देखिए अगर इसका मान निकालना है, देखिए फ्रेंड्स अगर इसका मान निकालना है तो मास ऑफ सरफेस निकालेंगे ना, तो फिर मास ऑफ ई में इसे गुना करेंगे, ये बटा में चल जाएगा, तो मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाई आर रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी का पावर क्यू, और बट्टा हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ का पावर क्यू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमने निकाला है सरफेस ऑफ मास, सरफेस ऑफ मास निकाला है, तो यहाँ पे भी सरफेस ऑफ मास है, तो अगर इस वैल्यू को अगर हम इसमें रख देते हैं, इस वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें अगर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा, यानी हमें जी डैश का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इस मान को हम यहाँ रखते हैं, तो एम एस के बदला में मैंने क्या लिख दिया है, तो जी का जी तो मैंने यहाँ लिख दिया है, और एम एस के बदला में मैंने ये लिख दिया है, ये लिख दिया है, और बट्टा में पहले से ही यहाँ पे क्या है, आर ई माइनस डी का पावर स्क्वायर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी देखिए ऊपर है तीन गो, नीचे है दो गो, तो दो गो में से दो गो, दो गो तो कट जाएगा, बचेगा एक गो, तो देखिए ये सारा हिसाब किताब नीचे ऐसे ही बच गया, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है ये तो ऐसे ही बच गया, क्या आर ई का पावर तीन ऐसे ही है, और आर ई माइनस डी बच गया। अब क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कर देंगे, तो देखिए फ्रैक्शन में करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है, जी एम ई बटा आर ई का स्क्वायर, जी एम ई बटा आर ई का स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा, वन माइनस डी बाई आर हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, जी डैश का मान हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, बस वीडियो को देख रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप क्या कीजिए, जो भी वीडियो देखिए उसको आप नोट पक्का कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप फिर से रिवाइज कर सकें, या फिर चैनल पे तो वीडियो अवेलेबल है तो आप वीडियो देखिए फिर से, ठीक है। ओके, गुड डे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।